मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं, बेसन का पराठा। बेसन का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जितना टेस्टी खाने में लगता है उतना ही बनाने में आसान है। हम इसको काफी लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसन पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा लगा के रखा हुआ है। आटा लगाना पहले मैंने हमारे कई वीडियो में आपको बताया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है, मोटा बेसन है, एकदम बारीक बेसन नहीं है। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, कस्तूरी मेथी, सूखी पान मेथी भी बोलते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हींग। आप चाहें तो साबुत धनिया पीस कर भी डाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बेसन तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है गर्म होने के लिए। एक चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। देखिए, मैंने एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, गरम होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से सिक चुका है, हींग डाल देंगे। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें एकदम धीमी आंच पे, मध्यम आंच पे बेसन को अच्छे से सेकना है। अभी मैंने इसमें सिर्फ जीरा और हींग डाला है, कुछ भी मसाले हमने नहीं डाले हैं। ध्यान रखें बेसन लगे नहीं, लगातार चलाते रहें। फ्रेंड्स, देखिए बेसन का कलर चेंज होने लगा है। हम इसमें जो डलियां बन गई हैं, गुठलियां हो गई हैं, इनको सेकते सेकते ही कुछ इस तरह से फोड़ लेंगे, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा। इनको बीच में हम इस तरह से तोड़ते जाएंगे तो सारी एग जैसी हो जाएंगी ये। देखिए फ्रेंड्स, बेसन सिकने को आ गया है, कलर चेंज होने लग गया है। आइए अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमें गैस के फ्लेम को एकदम लो रखना है, मीडियम या हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा, मसाले भी जल जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने। लाल मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। कस्तूरी मेथी अभी हम नहीं डालेंगे और इस सब मसालों को बहुत अच्छे से धीमी आंच पे सेक लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले डालते ही बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं इसमें। आइए अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। आधा कप पानी डाल दिया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से हम इसको पकाएंगे। हमें इसको हलवे की तरह पतला नहीं करना है, थोड़ा ही पानी डालना है। आप चाहें तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालने की गुंजाइश और है। ऑलमोस्ट एक कप के आसपास हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके पराठे कैसे बनेंगे, इसमें तो पानी डाल दिया, अभी देखिएगा आप। अब हम इसको इतना सेकेंगे कि ये बिल्कुल खुल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, खुलने लग गया है मसाला। हम इसको इसी तरह से सेकते रहेंगे। अगर इसमें आपको मिर्च या नमक कुछ कम लगता है तो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी बहुत अच्छे से सेकेंगे, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा और एकदम खुल जाएगा। जैसे हमने सूखा बेसन सेका था, बिल्कुल उसी तरह से ये बेसन हमारा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी भी इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी हमें बेसन की बॉल्स नजर आ रही हैं। इनको हम इस तरह से सेकते जाएंगे और इस तरह से फोड़ते जाएंगे, ये इसमें सब मिल जाएंगी।
देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से बेसन सिकने लग गया है, फूलने लग गया है, पानी इसका सूखता जा रहा है। हम इसको इसी तरह से सेकते रहेंगे, एकदम खुल जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, अभी तक हमने लो फ्लेम पे सेका था, अगर आप चाहें तो आप इसको अब मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि बेसन अच्छे से सिक चुका है। देखिए बिल्कुल अच्छे से खुल गया है, बहुत अच्छे से सिक गया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है ये सब ठंडा होने के बाद सही हो जाएगा, हम इसको हाथ से खोल लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, चेक करते हैं मसाला ठंडा हुआ या नहीं। देखिए एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसको कुछ हाथ से इस तरह से मसल लेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें छोटी छोटी बेसन की बॉल नजर आ रही हैं, वो सब इस तरह से करके हम तोड़ लेंगे। देखिए सारा कुछ एक सा हो रहा है। मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूंगी, मैंने आपको बताया था पान मेथी या कस्तूरी मेथी, मैंने यहाँ डाल दी है। हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे टेस्ट के लिए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, कुछ मिर्च मसाले नमक कुछ भी कम हो तो आप इसमें अभी ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। ये फ्रेंड्स पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आटा लिया है, हमें थोड़ा थोड़ा आटा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल पतले पतले पराठे बनाने हैं। देखिए मैंने इसकी लोई बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली है, छोटी सी लोई तैयार कर ली है। इसी तरह से हम इसको और लोई भी तैयार कर लेंगे। सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। मैंने बेल लिया है और अब हम इसमें मसाला भर देंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको पैक करना है। देखिए मैंने इस तरह से इसको पैक करना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखें, पराठा बनाने के लिए आटा जो है वो टाइट नहीं रखना है हमें, आटा हमें एकदम सॉफ्ट लेना है। देखिए मैंने इसे मसाला फिल कर दिया है और अब हम इसको सूखा आटा लगा लेंगे। कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे, हम इसको फैला लेंगे थोड़ा सा ताकि मसाला बाहर नहीं निकले। अब हम इसको धीरे धीरे बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने पराठा बहुत अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है, तवा भी गर्म होने को आ गया है। आइए अब हम इसको तवे पर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने तवे पर डाल दिया है पराठा, धीमी आंच पे सिकने देंगे जब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स पराठा उधर से सिक गया है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स पराठा इधर से भी सिक गया है, अब हम इस पे कुकिंग ऑयल लगा देंगे, साइड चेंज कर देंगे, इधर वाली साइड भी हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसको सेक लेंगे, साइड चेंज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स पराठा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुका है, आप चिमटे का यूज में ले सकते हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बना है। इसको अब हम तवे से हटा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है, आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सर्व भी कर दिया है, अब आप चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, जिसके साथ भी चाहें बनाएं और टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसन के पराठे में हमने इतनी सिकाई करी है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको हम 7 से 8 दिन तक सेफ रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आप कहीं सफर में जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसको बना के ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।